आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रियाज अहमद, असिस्टेंट इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर माइग्रेंट्स जम्मू। डॉक्टर साहब बताइए कि आप शारिका भवन दिल्ली में ये जो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे? हम यहाँ पे आए हैं एक आउटरीच प्रोग्राम, जो एज पर द डायरेक्शन ऑफ चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर जे एन के पोले सर, उन्होंने बोला था कि जो मैक्सिमम जो ये माइग्रेंट्स आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं, तो उनके एनरोलमेंट जो है हमारे वोटर कार्ड्स जो स्टेट यूटी के हैं उनमें कम है, तो फॉर इंक्रीजिंग दैट एनरोलमेंट हम ये कैंप्स जो हैं डिफरेंट सिटीज़ में, मतलब ऑल ओवर इंडिया हमने किए हैं, तो उसी की कड़ी का एक हिस्सा है कि हम आज फरीदाबाद में आए। डॉक्टर साहब, ये जो कश्मीरी माइग्रेंट को आप वोटर कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है? देखो, वोटर कार्ड एक आइडेंटिटी है आपकी ना, जैसे आपका राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, वैसे ही एक वोटर कार्ड एक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी होती है अपनी मदरलैंड से। तो मैक्सिमम लोगों का यही यहाँ पे भी क्वेरी है कि हमने यहाँ का वोटर कार्ड बना लिया हुआ, हमें क्या फ़ायदा है वहाँ का। तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट जो है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए माइग्रेंट्स के लिए जो भी पॉलिसी कुछ करेगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनी लैंड डॉक्यूमेंट, तो उस कड़ी में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जो आपका वोटर कार्ड होगा। सर, कश्मीरी माइग्रेंट ने दिल्ली या जम्मू, जहाँ भी वो माइग्रेंट हुए हैं, वहाँ भी अपना वोटर कार्ड बनवा लिया है, तो क्या वो दो दो जगह अपना वोट कास्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, दो जगह वोटिंग का तो प्रोविज़न नहीं है अभी एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, दो जगह वोटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन हाँ, जो अब विलिंगली अब बनाना चाहता है जे एन के का वोटर कार्ड, उसे हम रोक नहीं सकते, उसके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। जैसे वैलिड प्रूफ हमें देगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो हम उसका वोटर कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे, उसके बाद फिर ऑप्शन होगी वो यहाँ वोट डाले या जे एन के में डाले, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। नहीं, मगर वो कैसे होगा कि अगर सपोज मैं हूँ, मैंने यहाँ दिल्ली में वोटिंग कर दी, तो मैं जम्मू कश्मीर में एलिजिबल नहीं हूँ? देखो, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का टाइम अलग रहेगा, वहाँ असेंबली इलेक्शन अलग होंगे, यहाँ पे अलग होंगे। हाँ, पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो सेम टाइम पे रहेंगे, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में आप दो जगह तो आप जा नहीं सकते, ना वोट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आधार सीडिंग नहीं है, जब तक आपको गवर्नमेंट सरेंडर करने को नहीं बोल रही है, तब तक आप अपने पास वोटर कार्ड रख सकते हैं। द मोमेंट गवर्नमेंट ये आधार सीडिंग करेगी, उसके बाद सरेंडर करना होगा एक वोटर कार्ड, तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप यहाँ का रिटेन करना चाहते हैं या जे एन के का। इसका मतलब हम चाहें तो चाहें जम्मू कश्मीर में जाके अपना वोट कर दें कास्ट, और नहीं तो चाहे दिल्ली में। बिल्कुल, ये आपकी आपकी, मगर हम करेंगे एक जगह। हाँ, मतलब आपका जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, तो साइमल्टेनियसली आप यहाँ वोट करके फिर कश्मीर में जाके तो वोट नहीं कर सकते, वो तो एक ही जगह आपका वोट होगा ना। तो असेंबली इलेक्शन में जैसे डिफरेंट आपको पता ही है कि यहाँ पे टाइमिंग अलग होगी, वहाँ पे अलग होगी, तो वो डिस्क्रिशन है एक वोटर की कि वो कहाँ अपना वोट कास्ट करना चाहता है। और मेरे ख्याल में कि अगर वो माइग्रेंट है, वो कश्मीर से बिलोंग करता है, तो कश्मीर उसका वोटिंग राइट जो है वो एक्सरसाइज को कश्मीर में करना चाहिए, ताकि वहाँ उसकी रिप्रेजेंटेशन हो। पर अपनी असेंबली में जो है माइग्रेंट्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है इनकी पॉलिसीज़ के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, जो भी गवर्नमेंट को आगे फर्दर स्टेप लेने हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि इनको अपने लोकल जो एरिया है, ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वहीं वोट करना चाहिए। आयुष्मान कार्ड से कश्मीरी माइग्रेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है? देखो, आयुष्मान कार्ड जो है, ये आपको पता है ऑल ओवर इंडिया जो है आयुष्मान कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ राशन कार्ड बनता था, तो जो माइग्रेंट आउटसाइड जे एन के रिजाइड कर रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है नहीं है। तो हमने अभी पिछले लास्ट वीक ही अप्रूवल लिया है नेशनल अथॉरिटी से कि विदाउट राशन कार्ड अगर आपके पास कोई और रजिस्ट्रेशन है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर ये डोमिसाइल है इनके पास, माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन इनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो आयुष्मान कार्ड में तो आपको पता है ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो एक साल के लिए मिलता है, फैमिली का इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो वो बेनिफिट इनको अवेल हो जाएगा। ये जो आयुष्मान कार्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फैमिली के लिए है या एक मेंबर के लिए है? एक फैमिली के लिए 5 लाख तक का, जितने भी फैमिली मेंबर है, लेट सपोज 3 फैमिली मेंबर हैं या 4 हैं, उनमें से किसी को भी कोई खुदा ना करे कुछ ऐसी इलनेस हो जाए, कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो इंश्योरेंस कवर जो है उसमें अवेल कर सकता है। सर, कश्मीरियों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी बहुत सारी और ग्रीवेंसेस हैं। लोग कहते हैं कि जब हम 1990 में आए तो तब हमने रजिस्ट्रेशन कराया, बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन रह गया, हो नहीं पाया, उसके बाद मगर गवर्नमेंट ने एक दो बार कभी निकाला, उसके बाद मगर फिर बार बार इस चीज़ प्रोसेस को नहीं निकाला गया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम वी आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ माइग्रेंट, तो हमें तो सुविधाएँ ही नहीं मिल रही हैं।
तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे। 1999 में एक रिविजन हुआ था अपना जो रजिस्ट्रेशन का, उसके 2009 में हुआ, जो जो माइग्रेंट थे एलिजिबल माइग्रेंट उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया, चाहे वो जेएनके में हो चाहे आउटसाइड जेएनके में हो। लेकिन अब 2015 या 18 के बाद जो है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने नहीं की है, तो जो उसके बाद रजिस्टर नहीं हो पाए हैं वो हो सकता है वो फैमिलीज रह गई हों, अदरवाइज गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है चांस दिया है आपको कि आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी कोई रह गया है तो आज हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं, क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर डोमिसाइल, आयुष्मान, माइग्रेंट एंड अदर जो फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, वो रजिस्ट्रेशन हम ऑन स्पॉट कर रहे हैं। तो सर, डोमिसाइल बनवाने के लिए तो आप माइग्रेशन प्रूफ मांग रहे हैं ना उनसे, तो माइग्रेशन प्रूफ वो क्या देंगे आपको? डोमिसाइल के लिए माइग्रेशन प्रूफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ जेएनके प्रायर टू 1990, कोई भी, या तो स्टेट सब्जेक्ट होगा या कोई लैंड डॉक्यूमेंट होगा, और वो खुद डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं माइग्रेट करके यहाँ आ चुका हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उनको दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं एक कश्मीरी माइग्रेंट हूँ, तो उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर आप उसको कश्मीरी माइग्रेंट मान लेंगे? नहीं, डिक्लेरेशन के साथ कोई प्रूफ देगा वो जेएनके का। अगर लेट सपोज वो 70s में यहाँ आया है तो वो माइग्रेंट नहीं है। अगर वो 1980 जो माइग्रेंट की डेफिनेशन है, जो 1989 के बाद वहाँ से कश्मीर वैली छोड़ के कहीं भी जम्मू में या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आया है, तो वो माइग्रेंट है, तो उसको हम माइग्रेंट सर्टिफिकेट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ कश्मीर ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। हमारा फ़ोन नंबर अवेलेबल है, हमारी साइट पे अवेलेबल है, ऐसे भी पब्लिक डोमेन में है, तो आप इनकेस कोई क्वेरी है, कुछ भी हो, अगर किसी को डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। हमारी साइट का एड्रेस है jkmigrantrelief.jk.gov.in, उस पर जाके आप सारी फैसिलिटी जो भी जो प्रोवाइड करती है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर, वो आप फैसिलिटीज़ का ओवरव्यू भी ले सकते हैं और वहाँ ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94191-99062, तो ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, वो मुझे कॉन्टेक्ट, मुझे कॉल्स आती हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो जितना पॉसिबल हो सके हम उनके ग्रीवेंस एड्रेस करते हैं।